नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक है, तो सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि त्रिकोणमिति कहते किसे हैं। ठीक है, तो त्रिकोणमिति कैसे कहते हैं कि गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम त्रिभुज की भुजाओं तथा कोणों तथा उनके फलनों का अध्ययन किया जाता है उसको बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो हमने बात करी कि जिसमें त्रिभुजों का अध्ययन किया जाता है। मैंने एक माना कि एक राइट एंगल लिया। ठीक है, ये राइट एंगल है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में कैसे देखेंगे कि कौन सा अपना कर्ण होगा या कौन सा आधार होगा और कौन सा लंब होगा, तो कैसे स्पेसिफाई करेंगे कि जिसमें सबसे अधिक जो कोण होगा उसके जो सामने वाली भुजा होगी उसको बोला जाएगा कर्ण। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, ये है मेरा 90 डिग्री का बन रहा है, तो इसके जस्ट सामने वाली जो भुजा होगी, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन सी, ये वाली, तो इसको बोला जाएगा कर्ण। ठीक, और जिसके यानी कि जो ये वाला अपन एंगल बनाते हैं थीटा, इसके जो सामने वाली भुजा होगी उसको कहेंगे अपन लंब, और जो बाकी की जो बची उसको बोला जाएगा आधार। ठीक है, क्या बोलेंगे, यानी कि आधार यानी कि बेस, ठीक है, लंब यानी कि परपेंडिकुलर, कर्ण यानी कि हाइपोटेनस। ठीक है, अब अपन बात कर रहे हैं कि त्रिकोणमिति के। ठीक है ना, त्रिकोणमिति में अपन को क्या करना है कि इनकी भुजाएं तथा कोणों का मेजरमेंट करना है। तो अपन कैसे करेंगे, देखिएगा कि हमको मालूम है कि L, हम मानते हैं कि एल एल के ए। ठीक है, ये क्या बनाते हैं, देखिएगा अपन को क्या मालूम याद रखना है ट्रिग्नोमेट्रिक में, ये छह चीजें होती हैं, कौन कौन सी, साइन थीटा, कॉस, टैन, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है ना, अब अपन को निकालना है कि जैसे कि अपन को एक समकोण त्रिभुज दे दिया गया। ठीक है ना, अपन को निकालना है। ठीक है ना, अपन कोई भी चीज होंगी अपन इसे छोड़ेंगे, अपन इसमें फिट करेंगे वैल्यू को। तो जैसे कि आप मेरे को मालूम होना चाहिए कि साइन थीटा की जो वैल्यू है वो कैसे निकलेगी इससे। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह का आता है मेजरमेंट का, कैसे करेंगे, देखिएगा कि यहाँ पे इसको स्पेसिफाई करते हैं, ये है अपना साइन, ये करता है कोस और ये है टेन। अगर इसका जस्ट अपोजिट में कर देते हैं तो क्या निकल के आएगा, अगर मैं ये तो बात हुई है इधर से, अगर मैं इधर से करता हूँ बात उल्टी तरफ से, तो ये बनता है मेरा कोट, ये बनता है सेक और ये कोसेक थीटा। या फिर इसको बोल सकते हैं कि ये कि जैसे कि साइन थीटा है, ठीक है ना, साइन थीटा का जस्ट अपोजिट में क्या होगा, जैसे कि मैंने साइन थीटा लिखा, ठीक है, साइन थीटा बराबर वन अपॉन कोसेक थीटा। ठीक है, अगर बात करता हूँ कोस थीटा की, कोस थीटा क्या होगा, वन अपॉन sec थीटा। ठीक, अगर मैं बात करता हूँ tan थीटा की, तो tan थीटा क्या होगा मेरा, वन अपॉन cot थीटा, या इसके अलावा अपन लिख सकते हैं इसको sin थीटा बटे में cos थीटा। ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं, या इसके अलावा भी अगर मैं लिखना चाहूँ इसको जैसे कि cosec थीटा बराबर क्या होगा, वन अपॉन साइन थीटा, अगर मैं बात करता हूँ sec थीटा की, तो sec थीटा क्या होगा इसका अपोजिट है cos थीटा, या हम बात करते हैं कि cos थीटा बराबर क्या होगा, वन अपॉन tan थीटा, या फिर cos थीटा बटे में साइन थीटा। ठीक है, तो ये बात हो गई कि जैसे कि अपन को साइन निकालना है, साइन की वैल्यू कैसे निकलेगी कि लंब यानी कि परपेंडिकुलर और बेस, इससे निकल जाएगा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस यानी कि कर्ण से निकलेगा। ठीक है, साइन थीटा कैसे निकलेगा, लंब और कर्ण से निकलेगा, ये अपन को मालूम होना चाहिए। जब अपन साइन एंगल निकालते हैं या साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, लंब और कर्ण हमको मालूम होना चाहिए। अगर हमको कोस निकालना है तो आधार और कर्ण हमको मालूम होना चाहिए, टैन निकालना तो लंब और आधार मालूम होना चाहिए। ठीक है, ये बात हो गई। अब हम बात करते हैं इनके फॉर्मूलाज की। ठीक है, फॉर्मूलाज में क्या है, जैसे कि सिंपल
एक है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक, ठीक है, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक, ये इसको अपन इस तरह से लिख सकते थे, ठीक है, ये याद रखने के लिए ही है कि अगर मेरे को साइन स्क्वायर थीटा निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखिएगा, वन माइनस के कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, इस तरह देख सकते हैं। या इसके अलावा अगर हम दूसरा फॉर्मूले की बात करते हैं कि अगर मैं इसमें इस फॉर्मूले में अगर मैं दूसरा फॉर्मूला क्या अपना कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है एक, ठीक है, sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक, या इसको भी अपन बोल सकते हैं कि sec स्क्वायर थीटा बराबर वन प्लस का टेन स्क्वायर थीटा, या फिर क्या बोल सकते हैं कि sec स्क्वायर थीटा माइनस के वन बराबर टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, या दूसरा कि अपन को निकालना है कि एक और फॉर्मूला अपन कैसे निकालेंगे, देखिएगा, अगर मैं इस इक्वेशन में अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा का अगर भाग देता हूं तो क्या निकल के आएगा, वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, यानी कि वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोस एक्स स्क्वायर थीटा, ये इसको अपन लिख सकते थे कि कोस एक्स स्क्वायर थीटा माइनस के कोट स्क्वायर थीटा बराबर एक, ठीक है, या फिर अपन इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि कोट स्क्वायर थीटा बराबर वन कोस एक्स स्क्वायर थीटा माइनस के वन, ठीक है, इस तरह से फॉर्मूला लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जैसे कि ये, ठीक है, कौन सा है कि सेक स्क्वायर थीटा, या फिर इनकी बात करते हैं, या इसको मैं किस तरह से लिख सकता हूँ कि पहले हम बात करते हैं इसके, ये इसको मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, ये किस फॉर्मेट में है कि ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है कि ए प्लस बी और ए माइनस का बी, ठीक है, तो अपन इस तरह को अभी इस तरह से लिख सकते हैं sec थीटा माइनस के tan थीटा और sec थीटा प्लस का tan थीटा बराबर एक, ठीक है, इस तरह से लिखते हैं अपन वैल्यू को। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको अपन लिख सकते हैं cot स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर नहीं आएगा, cot थीटा प्लस के cosec थीटा, या फिर cot थीटा माइनस के cosec थीटा बराबर एक, नॉट 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 ये वाला आएगा ना, इसको लिखेंगे अपन कि cosec थीटा प्लस के cot थीटा और cosec थीटा माइनस के कोट थीटा बराबर एक, ठीक है, ये बात हो गई अपनी सिंपल फॉर्मूलाज की, ठीक है। अब अपन इसमें एक अपन को जैसे कि सारणी दे रखी है, ठीक है ना, जैसे कि अपन को एंगल दे दिया गया है ना, तो एंगल की वैल्यू क्या होगी तो अपन कैसे निकालेंगे, देखिएगा मैं आपको टेबल बना के बता रहा हूँ, ठीक है, वो टेबल कैसे याद रखेंगे वो भी बताऊंगा आपको, देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे ये है थीटा और इसको मिटा देते हैं, ठीक है, फिक्स एंगल है जैसे कि जीरो एंगल का हो गया, दूसरा है तीस इसका 45, साइड और 90, ठीक है, इनके एंगल हो गए अपन को 45
अब ए की वैल्यू अपन कैसे निकालेंगे लिखिएगा, sec sin थीटा cos थीटा और tan थीटा cot थीटा sec थीटा और cosec थीटा कैसे निकालेंगे वैल्यू को देखिएगा। सिंपल, कोई भी चीज होती है वो एक होती है, ठीक है ना। तो अपन ने एक चीज को सबसे पहले जीरो एंगल तो मैंने बोला इसको वो जीरो है, ठीक है। जिस पे मैंने बोला कि जैसे कि एक रोटी है, ठीक है ना, एक चपाती है, उस पे अपन ने चार टुकड़े करे, ठीक है ना। तो फर्स्ट टुकड़ा किया यानी कि 30 डिग्री का, यानी कि उसका मतलब है उसका पार्ट है 1/4, ठीक है। 45 का मतलब है कि उस रोटी का आधा टुकड़ा, ठीक है, यानी कि 1/2 भाग, ठीक है। 60 का मतलब है उस रोटी का 3/4 भाग, ठीक है। और 90 का मतलब है उस रोटी को अपन पूरा मान लेते हैं यानी कि 1। क्या करेंगे कि अपन इनका सबका अंडर रूट करेंगे, ठीक है, सबका अंडर रूट किया फिर वैल्यू निकालेंगे। sin थीटा वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसका अंडर रूट करके जो वैल्यू आएगी वो sin थीटा की वैल्यू कहलाएंगी। देखिएगा, जीरो का अगर मैं अंडर रूट निकालता हूँ तो क्या आएगा, जीरो। अगर मैं 1/4 की बात करता हूँ तो 1/2 होगा, अगर 1/2 की बात करता है तो 1/√2 होगा। ये इसकी बात कर लेता हूँ, अंडर रूट 3/2 होगा, या इसके अलावा हम बात करते हैं अंडर रूट 1 की वैल्यू तो 1 होगी, ठीक है। अब हमको कोस थीटा निकालनी है वैल्यू, कोस थीटा ही निकालें तो कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी, इसके विपरीत की वैल्यू जो होंगी यानी कि साइन थीटा जो वैल्यू है इसके विपरीत की वैल्यू कोस थीटा की वैल्यू कहलाएंगे, ठीक है। कैसे क्या, 1/√3/2, 1/√2, 1/2 और 0, ठीक। अब बात करते हैं tan थीटा की, अपन tan थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखिएगा, मैंने अभी बताया था कि tan थीटा बराबर sin थीटा बटे n होता है cos थीटा, यानी कि sin थीटा की वैल्यू ये है, cos थीटा की वैल्यू ये है। अगर इसका अपोज यानी कि अपन इसको डिवाइड करते हैं जो वैल्यू आएगी उसको बोलेंगे अपन tan थीटा की वैल्यू को, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं जीरो में अगर एक का भाग देता हूँ तो जाएगा जीरो, ठीक है। इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 1/√3, इसकी बात करें यहाँ पे आएगा 1, इधर बात करते हैं ये आएगा 1/√3। अगर हम बात करते हैं कि एक में जीरो का भाग देंगे तो वो जाएगा अपना इन्फिनिटी, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, cot थीटा वैल्यू निकालेंगे। cot थीटा क्या होगा कि जो tan थीटा है की वैल्यू है इसके जस्ट अपोजिट वैल्यू होंगी, वो किसकी कहलाएंगी, cot थीटा की वैल्यू कहलाएंगी। देखिएगा क्या, इन्फिनिटी अंडर रूट 3, 1, 1/√3 और 0। अब निकालनी अपन को sec थीटा की वैल्यू, sec थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी। देखिएगा, मैंने बताया था कि sec थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, ठीक है, यानी cos थीटा के जो आपको यानी कि विपरीत क्रम में यानी कि विपरीत नहीं उल्टा क्रम की जो वैल्यू होगी वो कहलाएगी sec थीटा की वैल्यू। तो यहाँ पे देखिएगा, sec थीटा की वैल्यू क्या होगी, इसके अपोजिट यानी कि एक के नीचे क्या होगा, एक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे sec थीटा की वैल्यू एक हो गई, ठीक है। यहाँ पे 2/√3, इधर √2, इधर हो जाएगी 2 और इधर अगर मैं बात करता हूँ 0 के नीचे 1, तो यानी कि 1/0 यानी कि इन्फिनिटी, यानी कि इसको अपन क्या करेंगे, जस्ट अपोजिट में लिखेंगे cosec थीटा की वैल्यू निकालने के लिए, sec के अपोजिट में होगी वैल्यू यानी कि 2/√3। या फिर अपन इसको इस तरह से ले सकते थे कि जैसे कि मैंने अभी sec थीटा की वैल्यू निकाली थी, इसको जो sin थीटा की जो इनको चेंज करके भी वैल्यू को निकाल सकते थे अपन, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन करते हैं या वो समझा वगैरह sin किस तरह से निकालते हैं अपन। दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, और अपने जो मित्रगण हैं उनको भी शेयर करें, ठीक है। हम बात करते हैं क्वेश्चन की कि जैसे कि यदि यदि 5 tan
थीटा बराबर अगर 4 है तो 5 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा, सटे में 5 साइन थीटा प्लस 2 कोस थीटा किसके बराबर होगा? ठीक है ना, इसकी वैल्यू क्या होगी अपन देखिएगा कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू को। देखो यहाँ पे देखिए अपन को कि 5 tan थीटा बराबर 4 है, ठीक है, यानी कि 10 थीटा बराबर है 4/5। ठीक है, 10 थीटा बराबर मैंने बताया था कि क्या होता है कि ये हो गया अपना समकोण त्रिभुज। ठीक है, 4 क्या होगा अपना, यानी कि अपन पहले बात ये समझो कि 10 थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। ठीक है ना, अभी थोड़ा क्वेश्चन करोगे थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ा दिक्कत आएगी, बाद में अपन सोल्व आराम से कर लोगे आप। ठीक है ना, यानी कि 4/5, ये भी से जाना को ये वैल्यू कहलाती है साइन थीटा और ये कहलाती है कॉस थीटा। ठीक है, तो यानी कि 4/5, ठीक 4/5, और इसकी वैल्यू निकल जाएगी जब अपन वगैरह की ये दे रखिए। ठीक है ना, यानी साइन की वैल्यू 4 है, कॉस की वैल्यू 5 है, यानी निकल के आ गया। अब अपन को इसमें सेट करनी है वैल्यू को डायरेक्टली, क्योंकि अपन को वैल्यू क्या दिया, साइन थीटा कॉस थीटा दिया, और अदर कोई दिया नहीं तो अपन को देखना भी नहीं है। अपन को जो चीज चाहिए वो चीज है अपने पास में कि साइन थीटा की वैल्यू 4 है, कॉस थीटा की वैल्यू 5 है। पुट करेंगे वैल्यू को, देखिएगा 5 sin थीटा की वैल्यू 4 3 कॉस की वैल्यू 5/5 sin थीटा की वैल्यू 4 + 2 कॉस थीटा की वैल्यू 5। इसका सॉल्व किया 20 - 15/20 + 10 यानी कि 5/30 यानी कि 1/6। तो यानी कि इसकी जो वैल्यू होगी किसके बराबर होगी, 1/6 के बराबर होगी। ठीक है, इसमें अपन और क्वेश्चन करते हैं इसका, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं मेरे को, या मेरे पर्सनल नंबर भी यानी कि मैं आपको नंबर दे दूंगा, व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि यदि यदि 4 sin²θ + 9 cos²θ बराबर 12 sin θ cos θ है, तो 4 sin θ + 3 cos θ बराबर 5 sin θ - 4 cos θ का मान क्या होगा? ठीक है ना, इस टाइप क्वेश्चन कैसे करेंगे देखिएगा। सबसे पहले अपन देखना क्या है, यहाँ पे 4 दे रखा है, इधर 3 दे रखा है, ये 12 दे रखा है। ठीक है ना, इसको अपन ऐसे फॉर्मेट में लिखते हैं कि देखिएगा 4 sin²θ + 9 cos²θ - 12 sin θ cos θ = 0। ठीक है, ये किस फॉर्मेट में है देखिएगा, ये बन रहा है 2 का स्क्वायर और ये sin²θ बन रहा है। इधर देखिएगा 3 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, और ये दे रखा cos²θ और ये दे रखा 12 sin θ cos θ। ठीक है, तो देखिए गई किस फॉर्मेट में है कि ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, यानी कि ए माइनस का बी का स्क्वायर। ठीक है, देखिएगा कैसे निकालेंगे, अगर मैं इसको देखता हूँ देखिएगा 2 का स्क्वायर sin²θ प्लस का 3 का स्क्वायर cos²θ, या इसको लिखेंगे 2 × 3 × 2 sin θ cos θ बराबर 0। देखिएगा 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12, यानी कि बना रहा है 12। ठीक है, यानी कि अपन इसको किस तरह से ले सकते हैं कि 2 sin θ माइनस के 3 cos θ का स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, 2 sin θ माइनस 3 cos θ का स्क्वायर बराबर 0, यानी कि स्क्वायर किधर लेके जाना होगा तो कोई मतलब नहीं है, यानी कि 0 ही होगा। या इसको अपन लिखेंगे किस तरह से, अगर मैं इसको बराबर के इधर साइड में ले जाता हूँ तो क्या वैल्यू जाएगा, तो हमें 2 sin θ बराबर 3 cos θ। ठीक है, यानी कि sin θ/cos θ बराबर वैल्यू क्या जाएगी मेरे पास में, 3/2, यानी कि sin θ की वैल्यू 3 आ गई और cos θ की वैल्यू 2 आ गई। अब अपन क्या करना है कि इसमें
पुट कर देनी है वैल्यू को जो अपने पास में आई है। देखिए इसको कैसे करेंगे अपन कि 4 साइन टाइप वैल्यू गया, 3 प्लस के 3 कोस टाइप वैल्यू गया पास में, तो 5 साइन टाइप वैल्यू 3 4 इनटू 2। ठीक है इसको सॉल्व किया यानी कि 4 दिया 12, 3 दो 6, 5 दिया 15 और 4 दो 8, इसको सॉल्व किया अपन ने तो यह 18 बटे में 7। ठीक है क्या करें पास में 12 6 18 और 12 माइनस 8 यानी कि 7, यानी कि 18 बटे 7 क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ये जो वैल्यू होगी इसके बराबर होगी 18 बटे 7 के। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि cos theta माइनस के sin theta और cos theta प्लस के sin theta बराबर अगर अंडर रूट 3 माइनस 1 और अंडर रूट 3 प्लस 1 हो, यदि थीटा की वैल्यू यानी कि थीटा यानी कि 0 और 90 डिग्री के बीच में हो थीटा, तो वैल्यू क्या होगी। ठीक है ना, यानी कि अपन निकालना है कि जो थीटा की वैल्यू है वो निकालना है। ठीक है इसमें अपन को क्या करना है कि थीटा की वैल्यू निकालनी है, अपन कैसे निकालेंगे इसको। ठीक है ना कैसे निकालेंगे देखिएगा कि अपन को निकालना है थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, और जो थीटा की जो वैल्यू होगी वो 0 और 90 के बीच में होनी चाहिए। ये कैसे करेंगे इसको सॉल्व, ये देखिए अपन को दे रखा है ये वाला, ठीक है ना ये क्वेश्चन दे रखा है। इसको क्या करेंगे अपन, मैं अगर इसमें के कोस अगर कॉमन ले लेता हूँ, कोस थीटा अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, या फिर अपन मानते हैं कि इसमें मैं साइन थीटा कॉमन लेता हूँ, ठीक है ना साइन थीटा मैंने अगर कॉमन लिया तो क्या बना मेरे पास में कोस थीटा बटे में साइन थीटा माइनस का ए, नीचे भी मैं करता हूँ साइन थीटा मैंने अगर कॉमन लिया नीचे क्या बनेगा कोस थीटा बटे में साइन थीटा प्लस के एक, ठीक बराबर क्या है मेरे पास में अंडर रूट 3 माइनस का 1 अंडर 3 प्लस 1। ठीक अब देखिएगा कि साइन थीटा से ये साइन थीटा कट गया, ये क्या बन गया मेरे पास में कोट थीटा, क्या बन गया मेरे पास में कोट थीटा माइनस 1 और कोट थीटा प्लस का 1 बराबर क्या है अंडर रूट 3 माइनस का 1 अंडर रूट 3 प्लस 1। अब हमको ये मालूम होना चाहिए कि मेरे पास में ये वाली चीज और ये वाली चीज तो आ गई है, लेकिन मेरे को ये मालूम चाहिए यहाँ पे कोट थीटा की जो वैल्यू क्या होगी कि उसकी वैल्यू अंडर रूट 3 होती है। ठीक है अभी अपन ने सारणी देखी थी, ठीक है ना सारणी में अपन ने क्या देखा था कि कोट थीटा की 30 की जो वैल्यू है वो अंडर रूट 3 होती है, या फिर अगर मैं बोलूँ कि टेन थीटा अगर 60 की वैल्यू है वो अंडर रूट 3 होती है, तो यहाँ पे जो कोट 30 की वैल्यू है वो क्या है अंडर रूट 3 है, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू है थीटा की वैल्यू वो क्या जाएगी 30 डिग्री। ठीक है क्या जाएगी 30 डिग्री, या इसको अपन बोल सकते हैं कि पाई बटे 6। ठीक है पाई बटे 6, यहाँ पे पाई की जो वैल्यू है वो क्या है मेरे पास में 180 होती है, अगर मैं 6 से इसको डिवाइड करता हूँ तो क्या आएगा पास में 23 डिग्री। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसमें आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसमें कि यदि थीटा यानी कि जो थीटा की जो वैल्यू है ना वो दे रखी है 0 डिग्री से और 90 डिग्री, और अपन को टेन थीटा बराबर दे रखा है कि अंडर रूट 12 प्लस के अंडर रूट 12 प्लस के अंडर रूट, मतलब अंडर रूट के अंदर अंडर रूट है वो ये वैल्यू दे रखी है अपन को इन्फिनिटी तक। ठीक है तो अपन को क्या निकालना है कि इसमें साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है ना कैसे निकालेंगे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, देखिएगा जब अपन नंबर सिस्टम पढ़ते हैं तो उसमें अपन इस तरह की सीरीज देखते हैं और क्वेश्चन आता भी है इस तरह का,
तो उसमें पूछा जाता है कि इस तरह की स्थिति दे दी जाती है और बोला जाता है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना। तो अपन कैसे निकालेंगे इस तरह का आंसर को, देखिएगा कि जो इसमें जो संख्या दे रखी है, अगर यहाँ पर चिन्ह अगर प्लस का आ रहा है, ठीक है ना, तो अपन को क्या करेंगे, जो 12 जो संख्या है इसके अपन टुकड़े करेंगे, और जो टुकड़े करेंगे वो दो करेंगे, ओनली दो टुकड़े करेंगे, और दो टुकड़े क्या होंगे इसके, जैसे कि मैं बात करता हूँ 4 और 3, ठीक है ना, क्या है 4 और 3 के टुकड़े हो गए, यानी कि 4 और 3 को मैं गुणा करता हूँ तो क्या आएगा पास में 12 आएगा, ठीक है ना। इसमें भी जो बड़ी संख्या होगी वो इसकी वैल्यू कहलाएगी, ठीक है, यानी कि यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू क्या कहलाएगी, 4, ठीक है। यह इसके अलावा अगर क्वेश्चन इस तरह का दे देता कि यहाँ पे जैसे कि ये दे देता 12 अगर 12 अगर 12 अगर 12 और इस तरह का रहता, तो इसमें बोल जाता है कि इसका आंसर क्या होगा, तो अपन किस तरह से बताते हैं इसका वैल्यू को, जो इसकी जो वैल्यू है वो ही इसका आंसर कहलाती, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास में जो टेन थीटा की जो वैल्यू है क्या, मेरे पास में 4, ठीक है, क्या टेन थीटा की बात करो, टेन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बटे में कोस थीटा, यानी कि 4/1, यहाँ पे साइन की वैल्यू क्या मेरे पास में 4, ठीक है, क्या है 4/1। अब और निकालने गए साइन स्क्वायर थीटा निकालना था, साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा मेरे पास में, कि अब ये अपन मालूम चल गया है कि साइन थीटा बराबर 4 है और कोस थीटा बराबर 1 है, ठीक है। या इसको अगर अपन फॉर्मेट में रखें, इसमें इसमें रखते हैं तो साइन 4 हो गया, कोस 1 हो गया, और अगर एम एस की बात करें तो क्या जाएगा, तो अंडर रूट 17, ठीक है, अंडर रूट 17 अपन निकालना है साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा निकालेंगे, तो साइन साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी मेरे पास में, चार बटे में अंडर रूट 17, ठीक है, क्या हो गया 4/17, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, यानी कि 16/17, यानी 16/17 जो है वो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होगी, ठीक है। अपन इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आपको कुछ समझ में आया होगा, अगर फिर भी अगर कोई आपको क्वेरी है तो कमेंट करके भी बता सकते हैं मेरे को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसमें, कि यदि sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर 4 है और जो थीटा की वैल्यू है अगर वो नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, हो तो कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालें कोस थीटा वैल्यू, ठीक है, देखिएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर है 4, ठीक, और कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है, और थीटा है वो 90 डिग्री है नहीं, देखिएगा हमने बात करी थी कि sec स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसको हमने दो तरह से लिखा गया था, sec थीटा प्लस का टेन थीटा और sec थीटा माइनस के टेन थीटा बराबर होता है 1, ठीक। जब sec थीटा प्लस का टेन थीटा बराबर मेरे पास में 4 है, तो मैं इसको इस तरह लिख लूँ, बराबर 4 है तो मेरे पास में sec थीटा माइनस के tan थीटा बराबर क्या होगा, इसके जस्ट अपोजिट वैल्यू होगी। अगर इस दो इक्वेशनों को मैं सॉल्व करता हूँ तो tan थीटा से tan थीटा कट जाएगा, मेरे पास में क्या आएगा, तो 2 sec थीटा बराबर 4, इसका 1/4, यानी कि 17/4, यानी कि sec थीटा बराबर हो गया 17/8, ठीक है। अब हम निकालना क्या है, कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो कोस थीटा सेक थीटा का जस्ट अपोजिट होता है, यानी कि 8/17 कोस थीटा की वैल्यू होगी, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि sec थीटा sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर 2 प्लस के अंडर रूट 3 है, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, तो कैसे निकालेंगे इसमें? तो देखिएगा, अभी मैंने देख अभी बताया था थोड़ी देर पहले ही, ठीक है ना, उसको कैसे करेंगे? जैसे इस फॉर्मूले दे रखा है, इसका जस्ट अपोजिट करेंगे, sec थीटा माइनस के tan थीटा बराबर क्या जाएगा, 1 अपॉन 2 प्लस अंडर रूट 3, ठीक है। यहाँ से tan थीटा tan थीटा कर दीजिएगा, यहाँ पे मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, 2 sec थीटा बराबर 2 प्लस के अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस के अंडर रूट 3, ठीक है। इसको अगर मैं सोल्व किया तो सोल्व करने पे क्या आएगा, 4 प्लस के 3 प्लस के 4 अंडर रूट 3 प्लस का 1 बटे में 2 प्लस के अंडर रूट 3, या इसको सोल्व किया तो क्या आया मेरे पास में, 4 3 7 1 8 प्लस के 4 अंडर रूट 3 2 प्लस के अंडर रूट 3, यानी कि इसको अगर मैं 4 कॉमन ले लेता हूँ, 4 दूनी 8 अंडर रूट 3 बटे में 2 प्लस के अंडर रूट 3, इससे ये कट गया मेरे पास में, तो 2 sec थीटा बराबर मेरे पास में क्या आ गया, 4, यानी कि 2 से 2 कट गया, यानी 4 काटा 2 बचे, ठीक है। तो sec थीटा बराबर क्या आ गया मेरे पास में, 2, sec थीटा की वैल्यू आ गई 2। तो अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि sec थीटा में कौन सा जो एंगल होगा उसकी वैल्यू 2 होगी। तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ, अगर आपको मालूम नहीं है तो अपने इसको क्या करेंगे कि cos थीटा बराबर क्या होगा, 1/2, ये 1/2 किसकी वैल्यू होती है, थीटा बराबर sin के, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है ना। फॉर्मूले हैं वो याद रखने हैं, जैसे कि अगर दिया है कि कोट कोट थीटा प्लस के कोसेक थीटा बराबर अगर 3 हो तो, और ए एक है न्यून कोण हो, तो कोस ए की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना, कोस ए की वैल्यू क्या होगी, कैसे निकालेंगे इसको? जस्ट सेम अपन उसको बिल्कुल सेम करेंगे जो अपन पहले किया था। अभी मैंने फॉर्मूले बताए थे इसमें भी, ठीक है ना, इसमें मैंने फॉर्मूले बताए थे, क्या बताया था कि कोट स्क्वायर थीटा माइनस के कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक, यानी कि ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर फॉर्मेट में है, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि कोट थीटा माइनस के कोसेक थीटा बराबर 1/3, ठीक है ना। इसको सोल्व किया, यहाँ से ये कट जाएगा, बचा गया मेरे पास में 2 cos थीटा बराबर 3 प्लस 1/3, यानी कि 10/3, 2 से मेरे पास में बचा क्या, cos थीटा बराबर 5/3। ये इसको मैं अगर कन्वर्ट करता हूँ कि tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 3/5। अपन से पूछा क्या है कि cos a की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। तो cos a की वैल्यू क्या होगी, देखिएगा कि अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये क्या है मेरे पास में लंब, यानी ये साइन थीटा और ये कोस थीटा, तो यहाँ पे 3 तो हो गया साइन और 5 हो गया ये, ठीक है। अब अपन से पूछा क्या है कोस ए की वैल्यू, कोस ए की वैल्यू क्या है मेरे पास में 5, कोस ए की वैल्यू हो जाएगी 5 हो गई है। अगर मैं इसको भी वैल्यू निकाल रहा हूँ कर्ण की, तो कर्ण की वैल्यू मेरे पास में 25 और 9 का अंडर रूट, यानी कि अंडर रूट है 34, ठीक है। और अपन से बोला गया कि कोस ए की वैल्यू क्या होगी, तो कोस ए की वैल्यू, यानी कि अगर बात करते हैं इसमें एल एल के आधा आधा क्या है मेरे पास में 5, और कर्ण कितना मेरे पास में अंडर रूट 34, ये क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें अपन और देखें क्वेश्चन,
इस टाइप का कर लिया है अपन ने, और एक ये देखते हैं कि यदि थीटा जो है वो ओ अगर है धनात्मक है, न्यून कोण है, ठीक है, यदि थीटा एक धनात्मक न्यून कोण है तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस फोर की पावर फोर थीटा बराबर एक हो। देखिएगा यदि थीटा एक धनात्मक न्यून कोण है और क्वेश्चन इस तरह का दिया हुआ है, जैसे कि एक थीटा है वो एक धनात्मक न्यून कोण है और साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन फोर थीटा बराबर एक है, तो अपन को वैल्यू निकालनी है कि साइन कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोट के पावर चार थीटा का वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। कैसे निकालेंगे देखिएगा, हमको इसको सोल्व करेंगे जैसे क्वेश्चन सोल्व करता है वैसे करेंगे। साइन फोर थीटा बराबर होगा वन माइनस पे साइन स्क्वायर थीटा बराबर, यानी कि साइन की पावर चार थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा, ठीक सिंपल। और इसमें अपन बात करते हैं कि साइन की पावर साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा बराबर बटे में साइन स्क्वायर थीटा, तोड़ दिया, ठीक है। तो यानी कि इसकी वैल्यू क्या मेरे पास में कोट स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या है मेरे पास में कोट स्क्वायर थीटा। अगर मैं इसमें वैल्यू पुट करता हूँ कि कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या मेरे पास में साइन स्क्वायर थीटा माइनस के कोट फोर थीटा बराबर क्या होगा मेरा साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं यहाँ पे दोनों भी अगर पावर से गुणा करता हूँ दोनों तरफ से तो क्या जाएगा बनना साइन स्क्वायर कोट की पावर चार थीटा बराबर क्या जाएगा साइन की पावर चार थीटा, यानी कि साइन पावर चार थीटा बराबर क्या जाएगा मेरे पास में एक, ठीक है। इसमें अपन एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि यदि साइन थीटा बराबर ए स्क्वायर माइनस एक एक बटे में ए स्क्वायर प्लस एक हो तो सेक थीटा प्लस के टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। कैसे निकालेंगे अपन देखिएगा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे करा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरे पास में लंब क्या है ए स्क्वायर माइनस का एक, कर्ण क्या है ए स्क्वायर प्लस का एक। अगर मेरे को आधार निकालना है तो आधार कैसे निकलेगा मेरे पास में कि अगर मैं कर्ण की वैल्यू में के अगर मैं लंब की वैल्यू को अगर घटाता हूँ और उसका अंडर रूट करते हैं तो वैल्यू निकल के आएगी मेरे पास में आधार, ठीक है। इसको सोल्व किया तो क्या है मेरे पास ए की पावर चार प्लस का ए प्लस का टू ए स्क्वायर, इसको सोल्व किया तो क्या आएगा मेरे पास में ए की पावर चार माइनस के टू ए भी आएगा, यानी कि बनाएगा क्या प्लस के दो ए स्क्वायर, और ये जो है माइनस एक ही बनाएगा प्लस का एक माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो बनाएगा प्लस का एक यानी कि माइनस का एक। यहाँ से देखिएगा ए की पावर चार से ये कट जाएगा माइनस ए प्लस का एक और माइनस का एक ये कट जाएगा, बचा क्या मेरे पास में अंडर रूट में दो और दो चार ए का स्क्वायर यानी कि दो ए, यानी कि आधार की वैल्यू क्या मेरे पास में टू ए, इसको कहते हैं ए बी सी। अब देखिएगा अपन निकालना है कि sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू क्या होगी। अब अपन मालूम है कि sec थीटा बराबर क्या होता है, ये sec थीटा जो है वो होता है अपना काका यानी कि k अपॉन l, ठीक है। यानी कि sec थीटा प्लस k tan थीटा बराबर वैल्यू क्या होगी, फिर निकालेंगे अपन कर्ण की वैल्यू क्या है ए स्क्वायर प्लस के वन और आधार की वैल्यू क्या है टू ए
प्लस टेन के टेन थीटा बराबर क्या होगा ए स्क्वायर माइनस ए वन और आधा टू ए, यानी कि इसमें जो एलसीएम आएगा मेरे पास में क्या जाएगा टू ए, ठीक है। यहाँ पर अगर हम आगे दिया तो क्या आएगा मेरे को ए स्क्वायर प्लस का एक प्लस ए स्क्वायर माइनस का एक स्क्वायर एक से एक कट गया, यानी कि मेरे पास में क्या है आ रहा है टू ए स्क्वायर बटे में दो ए, दो से दो कट गया ए से ए स्क्वायर से काटो तो क्या बताया आपने ए, यानी कि इसकी जो वैल्यू होगी sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास में ए, ठीक है। तो इस तरह से अपन क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ठीक है ना। यानी कि जब अपन क्वेश्चन का अगर बुझाएं निकालनी है, बुझाओं का मान निकालना है या कोण का मान निकालना है, तो अपन एक समकोण त्रिभुज को लेकर के सोल्व करते हैं, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।